एक ऐसा देश जहां पर एक पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है, जहां पर आप किसी भी लड़की से कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए शादी कर सकते हैं। और इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। लेकिन इस देश में जब महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसका दोषी बलात्कारी को नहीं बल्कि लड़की की माँ को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ईरान के बारे में, जहाँ की महिलाएं पर्दा तो करती है, मतलब हिजाब पहनती है, लेकिन पर्दे की आड़ में वेश्यावृत्ति करना कोई भी अपराध नहीं माना जाता। दोस्तों कहा जाता है ईरान के लोग एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको ईरान के बारे में वो बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। 1979 में पहले इस देश को दुनिया का सबसे मॉडर्न देश माना जाता था। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा नेचुरल गैस उत्पादक है और पूरी दुनिया में मौजूद तेल का 10% हिस्सा ईरान के पास जमा रहता है। दोस्तों ईरान में बनने वाली कालीन सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, और आपको जानकर हैरानी होगी, ईरान कालीन को बनाते समय जानबूझकर उस कालीन में कोई गलती कर देते हैं। ऐसा करके वो बताना चाहते हैं अल्लाह के सिवाय कोई और परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनकी कालीन इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। ईरान का इस्लामिक नाम इस्लामिक पब्लिक ऑफ ईरान है। इस देश को 1935 से पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था, और पर्सिया को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहते हैं। दोस्तों ईरान के लोग रात भर जागकर पार्टी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जो देर रात तक जागते हैं वो बहुत ही कम समय तक जीवित रह पाते हैं। इसलिए यहाँ पर रात 11 बजे बाद मार्केट बंद हो जाते हैं, सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। ईरान की सरकार ने सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन देशों की मूवीज और सीरियल लोग नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ के लोग मूवीज कितने ज्यादा शौकीन होते हैं कि यहाँ पर कुछ समय पहले अमेरिकन मूवीज की डीवीडी ब्लैक में बेची जाती थी। ईरान की कुल जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है और यहाँ की राजधानी तेहरान शहर है। दोस्तों यहाँ के मर्द इस्लामिक संस्कृति के मुताबिक किसी भी महिला से कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ घंटे के लिए शादी कर सकते हैं, और इस रिवाज को ईरान में सिजय नाम से जाना जाता है। ईरान में अगर किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार होता है तो उसका जिम्मेदार लड़की की माँ को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं अगर लड़की की माँ ने लड़की को संभाल कर रखा होता तो ऐसी कोई मुसीबत ही नहीं आती। लेकिन यहाँ की पुलिस दोषी व्यक्ति को पीड़ित लड़की के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर सकती है, हालांकि वह व्यक्ति शादी के तुरंत बाद तलाक ले सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ईरान की संसद में 2013 में एक कानून पास किया गया जिसके तहत कोई भी आदमी अपनी गोद ली हुई बेटी या सौतेली बेटी से शादी कर सकता है। लेकिन शादी करने के लिए लड़की की उम्र 13 तो होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ईरान के लोगों को यही सोच इसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। ईरान एक मुस्लिम देश होने के कारण यहाँ पर शराब बैन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल 8,000 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। दोस्तों यहाँ के लोग खाने को नीचे बैठकर खाते हैं, और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि दही एक जादुई खाना है, इसे खाने से इनकी उम्र बढ़ जाती है। दोस्तों ईरान की ज्यादातर आबादी जवान लोगों की है और महिलाएं यहाँ पर बुरके में रहती है, लेकिन यहाँ अपना चेहरा दिखा सकती है, इसलिए यहाँ की महिलाएं अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने में लगी रहती है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ की लड़कियां और महिलाएं प्लास्टिक सर्जरी भी करवाती हैं। दोस्तों ईरान में शादी के लिए लड़की की उम्र 13, लड़के की उम्र 15 है, और यहाँ पर 15 साल की उम्र में लोग वोट डाल सकते हैं। दोस्तों ईरान की सुंदर कविता और यहाँ के कालीन और सुंदर लड़कियां दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।